नमस्कार दोस्तों आप सबका अभ्युदय क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है हम बेसिकली विजन आई एस दो हजार इक्कीस की यह जो कंपाइलेशन आई है इकोनॉमिक्स की इसको रिवाइज कर रहे हैं मतलब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेरा प्रयास यह रहेगा कि जो अंग्रेजी से हिंदी में ये जो ट्रांसलेशन करते हैं इसको आपके साथ सरल भाषा में मैं आप डिस्कस कर लूँ और इसमें जो जो की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में आ जाए चलो शाह स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि मैं आशा करता हूँ कि जो दो पार्ट थे वो आपने देख लिए होंगे तीसरा आज हम फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में देखेंगे फाइनेंशियल प्रणाली मतलब वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजार इसमें पहला पॉइंट उठाएंगे वित्तीय साक्षरता रिपोर्ट 2020 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर 2020 कोई भी रिपोर्ट आए तो दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए भैया जारी किसने करी जारी करने वाला कौन है देखिए सुर्खियों में इसलिए थी कि आरबीआई ने जुलाई 2020 में यह रिपोर्ट जारी करी थी और इस रिपोर्ट के क्या क्या मेन फाइंडिंग्स हैं उनको भी देख लीजिए ये जो रिपोर्ट थी मेरे मित्रों ये कैसी आती है छमाई आती है छमाई से तात्पर्य हो गया छह महीने में एक बार आती मतलब वर्ष में कितनी आ गई वर्ष में दो बार आपको ये बताएगी कि हमारे भारत की जो वित्तीय स्थिरता है उसके समक्ष क्या क्या जोखिम है और उसका लचीलापन कैसा है लचीलेपन से आशय ये है कि हमारे यहाँ पर बिजनेस करने में कितनी हमें आसानी मिलती है वह ये दर्शाती है रिपोर्ट और यह रिपोर्ट के इस बार जो अलग अलग संकेतक थे उस पर कोविड कोविड नाइनटीन के जो प्रभाव रहे महामारी के उसके भी विभिन्न परिदृश्य को यह प्रस्तुत करती है कि साहब देखो हमारे हमारे पास इस समय ये जोखिम हमारे सपोज पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या हमारा अन्य सेक्टर है ऐसे एम एस सेक्टर है तो इनमें भैया कोविड नाइन्टीन का क्या प्रभाव रहा ऐसे सारे संकेतों को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है अगला महत्वपूर्ण निष्कर्ष देख लीजिए अब इनके क्या क्या थे सबसे पहला इनका निष्कर्ष ये था कि भैया ऐसे विकट समय में जिनने लोन लिया है वो लोन चुका पाए या नहीं चुका पाए उनकी स्थिति क्या रही देखिए जितने भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक थे उनका जो ग्रॉस एनपी था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था उसका बेस लेन मार्च 2020 के साढ़े आठ परसेंट से बढ़कर मार्च 2021 तक साढ़े बारह परसेंट हो सकता है ये इन्होंने प्रोडिक्शन किया था कि देखो वर्तमान में बढ़ जाएगा आपको क्या ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई ने प्रशन किया था कि जो एन पी ए है वह एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये क्या करती है बाजार में लोन प्रोवाइड कराती है तो उससे क्या रहता है बाजार में तरलता रहती है मतलब पैसा रहता है बाजार में अब इन्होंने क्या महसूस किया कि साहब एनबीएफसी के लिए जो बाजार वित्त पोषण की घटती हिस्सेदारी एक चिंता का विषय है समस्या क्यों चिंता का है? क्योंकि वित्तीय प्रणाली के समक्ष तरलता का जोखिम उत्पन्न हो जाएगा बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी कैश की कमी हो जाएगी दूसरा वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के समक्ष जोखिम ऋणग्रस्त गैर वित्तीय क्षेत्र वैश्विक भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि और कोरोना महामारी जनित आर्थिक गिरावट के कारण वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के समक्ष जोखिम उत्पन्न हुआ है अब इसको समझ लो वैश्विक आर्थिक संभावना से क्या तात्पर्य है सिंपल सी बात भैया कि मेरे देश में बाहर से कोई पैसा लगाने कोई व्यापार करने आ रहा है या नहीं आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है या नहीं आ रहा है अब वो आप देखेंगे कि जो आपके जियो पोलिटिकल है उस पर भी डिपेंड करेगा भैया सब जगह अगर कहीं आप देखते हैं गल्फ कंट्रीज में मारामारी चल रही हो चाइना यूएसए रशिया सभी ट्राइपोड के अंदर आपको कोई खींचतान नजर आती हो तो बिजनेस करने में दिक्कत आती है क्यों आती है क्योंकि भूवैश्विक राजनीतिक तनाव में वृद्धि हुई है और कोरोना के बारे में आप जानते ही कोरोना महामारी की वजह से भी बहुत दिक्कत आई है और आपके गैर वित्तीय क्षेत्र नॉन फाइनेंशियल एरियाज में जो ऋण बढ़ा है इसकी वजह से देशों के अंतर्गत तो जो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं वह भी कम हुई है स्पष्ट है तीन चीजों का ध्यान रखना जियोपोलिटिकल कोरोना और गैर वित्तीय क्षेत्र में ऋण का बढ़ना अब ये रिपोर्ट है ना इसका आर्किटेक्चर भी एक बार समझ लें ये देखिए पहले काउंसिल समझिए ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है चेयर कौन करता है ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अब इसके अंतर्गत एक सब कमिटी बनाई है यही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत उसको कौन चेयर करता है आरबीआई का गवर्नर चेयर करता है अब इसके अंतर्गत एक टेक्निकल ग्रुप बनाया ठीक है जो करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम उसको कौन चेयर कर रहा है उसको डेपुटी गवर्नर आर कर रहा है और इनके साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं ये देखो सर पी एफ एस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीई ए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेज क्या कर रहे हैं साहब ये कॉर्डिनेट विद अदर मिनिस्ट्रीज और सपोर्ट फंड कर रहे हैं अगला इंस्टीट्यूशन आर बी आई सीबी इडा एंड पी एफ आर डी ये क्या करके दे रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोसेस स्पेसिफिक एजुकेशन और सपोर्टिंग एनसीएफ को कर रहे हैं अगला एन सी एफ ई एनसीएफ क्या है? ये ये नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये जो इंस्टीट्यूट है ये है है प्रमोटेड बाय किसके नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड क्या कर रहे हैं बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ कंटेंट ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ ई लर्निंग मॉड्यूल एंड फाइनेंशियल एजुकेशन ऐप इनकी एक आती है रिसर्च सर्वे एंड डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन का नीचे तक प्रवाह करने का ये प्रयास करते हैं स्पेशल इन्वाइटिव कौन कौन थे इसमें एनपीसीआई आप जानते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस हो गए आपके ये हो गए भाई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं डी हो गई आपके ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं एनजीओ वगैरह आप जानते हैं इनको भी स्पेशल इन्वाइटिव के रूप में आमंत्रित किया है ये क्या करते हैं डेवलपमेंट कंटेंट रिसर्च कोलोबेशन सपोर्ट के माध्यम से ये एक फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया था चलो सब आगे देखते हैं राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति कितने समय के लिए बनाई है भैया 2020 से 2025 ध्यान रखना ये समय भी ध्यान रखा करो टाइम स्पान जो होता है इसको भी ध्यान रखा करो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 2025 सुर्खियों में क्यों था आरबीआई ने हाल ही में इसको भैया जारी किया है एन एस एफ से 2025 अब अभी एक बार इसके बारे में देख लें इससे पहले 2013 से 2018 के लिए जारी किया गया था और 2013 में जारी किया था एनएसएफई का उद्देश्य क्या है जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को अपने धन का बेहतर प्रबंधन करने और अपने भविष्य की योजनाएं बनाने हेतु उनको आवश्यक ज्ञान दें कौशल प्रोवाइड कराए अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित करने के लिए सशक्त बनाना है क्लियर इसके इंस्ट्रूमेंट भी मैं आपको भी बताता हूँ आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए बहु हितधारक तो संचालित दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेके वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देते हैं उन सभी को इंटीग्रेट करके इंप्लीमेंट करने की इन्होंने अनुशंसा की थी क्लियर उसी में आप देखिए एनएसएफ जो बना उसमें एन द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सभी निकाय जो भी हमने पहले देखे आरबीआई से वित्तीय सेवा विभाग ये फाइनेंशियल सर्विसेज और अन्य मंत्रालयों के हितधारक जो डी एफ आई एस आर ओ आई बी एन पी सी आई से परामर्श करके तैयार किया गया है अब जो एन एस एफ की स्थापना कब करी थी दो हजार तेरह में करी गई थी और उस समय दो हजार तेरह से लेकर दो हजार अठारह तक के लिए उन्होंने प्लान बनाया था राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के क्रियान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियम को अर्थात आर बी आई सेबीडा पी एफ आर डी की सहायता ली गई थी ये वित्तीय स्थिरता और वित्तीय परिषद की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है इसकी धारा आठ से गैर लाभकारी कंपनी जो पांच सितंबर दो हजार अठारह को निगमित हुई थी वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह एनएसएफ की आवधिक निगरानी और क्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा मतलब जो एन एस एफ है इससे पहले आपने जो देखा था ना भैया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला टॉपिक उसको निगरानी करना उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना इसके लिए उत्तरदायी कौन बनेगा एनसीए -E बनेगा ठीक है और हमारे यहाँ पर जैसे आप देखते हैं साक्षरता ऐसे वित्तीय साक्षरता की स्थिति भी देख लें -E ने भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति का पता लगाने के लिए 2019 में एक अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता का सर्वेक्षण किया था निष्कर्ष के तौर पर इन्होंने बताया कि भाई सत्ताईस प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वित्तीय साक्षरता के प्रत्येक घटक में आर्थिक समन्वय विकास संगठन द्वारा निर्धारित न्यूनतम लक्षित प्राप्त न्यूनतम सीमा प्राप्त प्राप्त किए मतलब कि एक जैसे सपोज करो आपसे मैंने पूछा एटीएम के बारे में जानते हो कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर के बारे में जानते हो क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हो आपके बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या है जानते हो म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हो क्या इस प्रकार से क्वेश्चनरी तैयार किया और उन्होंने उसको तीन जो आपकी वित्तीय साक्षरता को जानने के लिए तीन पॉइंट्स पे बात करी एक उन्होंने पूछा आपको वित्तीय ज्ञान कैसा है आपका वित्तीय दृष्टिकोण कैसा है और आपका वित्तीय व्यवहार कैसा है ज्ञान से तात्पर्य आपको इन सब चीजों की जानकारी किया वित्तीय दृष्टिकोण से देख आपका तात्पर्य एक तो होता है नहीं साहब मुझे कुछ नहीं करना जितना पैसा मिला मेरे तो बैंक में डाल दो चाहे दो परसेंट मिले चाहे तीन परसेंट मिले मुझे उसको बढ़ाने की कत आवश्यकता मन में नहीं है क्लियर इसी प्रकार से वित्तीय व्यवहार होता है कि घर में पैसे रखे रखते हैं या बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं या ऑनलाइन इधर से उधर पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं ये सारी चीजों को इन्होंने चेक किया क्लियर और ये ओ जो है आप सभी जानते हैं आर्थिक समन्वय और विकास संगठन जो है इनके द्वारा बेसिकली जो मापदंड है उसके अनुसार उन्होंने ये क्वेश्चनरी बनाई और जिन्होंने उत्तर दिए उनमें से करीबन सत्ताईस परसेंट ने यह मान लो परीक्षा पास कर ली कि एटलीस्ट न्यूनतम जो लक्षित प्राप्तांत थे न्यूनतम सीमा मिनिमम जो मार्क्स थे उन्होंने प्राप्त के लिए यही बोल लीजिए कि मिनिमम क्वेश्चन जो ठीक होने चाहिए थे वो कर लिए और इसमें बड़ी अच्छी फैंडनिंग इन्होंने बताई कि सर में मध्य और उत्तर क्षेत्र पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है किसके रिलेटेड वित्तीय साक्षरता के रिलेटेड ग्रामीण भारत कम शिक्षित लोगों और पचास और उससे अधिक आयु वर्ग के समूह पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है इन्होंने बोला कि साहब गांवों में आप वित्तीय साक्षरता पर जोर दीजिए कम शिक्षित लोगों पर जोर दीजिए और पचास से ऊपर आयु के लोग हैं जो अभी टेक्नोलॉजी से मोबाइल से इतने एक्लेमेटाइज नहीं है उन पर आप विशेष ध्यान केंद्रित कर नेक्स्ट देखते हैं भुगतान प्रणालिया पैसे कैसे कैसे देते हो आप किसी दुकानदार को पेमेंट कैसे कैसे करते हो वही प्रणालियों के बारे में बताया है उन प्रणालियों को एक बार देख लो और उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इस बार ये यह भी हम देख लेते हैं देखो हाल ही में क्या किया आर ने इन भुगतान प्रणालियों के मैनेजमेंट के लिए एक अम्ब्रेला एंटिटी बना दी देखो अम्ब्रेला एंटिटी से तात्पर्य है जैसे साहब ये पोपट का छाता है और इसमें क्या कर दिया आपने एक आदमी ये बैठा दिया एक आदमी मतलब तीन आदमी को छाता दे दिया आपने इसी तरीके से अम्ब्रेला स्कीम हम जब बोलते हैं एक ही प्रकार की सारी स्कीमों को हम एक ही जगह एक ही छत्र के नीचे लाके खड़ा कर दे ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है एक सबको एक ही जगह आपने क्या कर दी मिला के एक अम्ब्रेला एंटिटी बना दी ठीक क्या किया इन्होंने देख लो साहब अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में यह एक छत्र इकाई अम्ब्रेला एंटिटी खुदरा बाजार के अंतर्गत जितनी भी नई भुगतान प्रणाली है या प्रणालियों की स्थापना प्रबंधन और अब क्या करेगी करेगी इनका परिचालन जिसमें एटीएम लेबल पॉइंट ऑफ सेल हमने पिछली बार देखा था आधार आधारित भुगतान और वी सेवाएं आदि शामिल है कुल मिला के बात ये कि आप जब जाते हो दुकान पर क्यू कोड जब से आप पेमेंट करते हो तो देखो यहाँ यूपीआई भी लिखा रहता है पेटीएम भी लिखा रहता है फोन पे भी लिखा रहता है भीम यूपीआई भी लिखा रहता है ना एक ही क्यू कोड से आप सारे पेमेंट सभी को मतलब कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको पेमेंट कर सकते हो इन सब का प्रबंधन कौन करेगा अब ये करेगा एक अम्ब्रेला एंटिटी बना दी क्लियर पहले क्या था कि साहब देखो आपका एटीएम से रिलेटेड आप कोई भी भुगतान कर रहे हैं तो उसके लिए अलग जग, अलग ऑफिस में आपको बात करनी पड़ेगी व्हाइट लेवल पॉइंट ऑफ सेल है उसके लिए अलग बात करनी पड़ेगी आधार आधारित आप कोई भुगतान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से किसी से बात करनी पड़ेगी अब सबको क्या कर दिया एक ही जगह पर लाके बैठा दिया क्लियर तो क्या था दोस्तों आरबीआई ने ये महसूस किया वर्ष की बात है तो एक बार ये भी देख लें पिछले बार आरबीआई ने एकाधिकार और संक्रंदन संबंधी जोखिम की रोकथाम हेतु खुदरा भुगतान के लिए एक वैकल्पिक छत्र संगठन के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और आरबीआई का ये मानना था कि साठ परसेंट से अधिक खुदरा भुगतान को नियंत्रित करने वाली जो एनपीसीआई है अब क्या हो हो गई है है टू टू बिग फेल की श्रेणी में शामिल गया वर्तमान में एनपीसीआई जो है भारत में खुदरा के भुगतान और निपटान प्रणाली संचालन के लिए एकमात्र छत्र संगठन है तो भैया एनपीसीआई के बारे में इतनी बात हो रही है देख लें लास्ट क्लास में भी हमने वैसे देखी थी एक बार और नजर मार लें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये क्या है आर और भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन की क्या थी एक जॉइंट पहल थी संयुक्त पहल थी वो क्या करती थी भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए ये एक अम्ब्रेला एंटिटी बनाई थी क्लियर इसके जो प्रोमोटर बैंक थे वो कौन कौन से थे दस हैं SBI PNB बैंक को बड़ौदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक बैंक ऑफ इंडिया HDFC बैंक सिटी HSBC और IC सिटी तो जारी है सब हां क्लियर ये संगठन क्या करता है भारत के लिए एक सुदृढ़ भुगतान निपटान प्रणाली का इसने एक बुनियादी ढांचा तैयार किया और भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत इसको ताकत मिलती है काम करने की और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी एक्ट उन्नीस की धारा आठ की धारा 25 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इन धाराओं को याद करने मत लग जाना सिंपल सा ध्यान रखना कंपनी एक्ट के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका उद्देश्य भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं निपटान प्रणाली दोनों के लिए संपूर्ण बैंकिंग उद्योग को एक बुनियादी ढांचा प्रोवाइड कराना किताब कि सपोज करो जितने भी बैंक हैं आर बी आई है बी ओ बी है तो ये जितने भी भुगतान होंगे इनको इंटीग्रेट करना नए सिस्टम से जोड़ना उसको अपडेट करना ये सारा काम कौन करता है एनपीसीआई करती है आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया होगा तो उसमें लिखा था एनई एफ टी आर टीजीएस और आई एम पी एस यह नेशनल फाइनेंशियल स्विच तत्काल भुगतान सेवा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली चेक ट्रैक्शन सिस्टम्स रुपये हमारा और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस जैसे विभिन्न उत्पाद का प्रबंधन भी करता है देने वाली बात बात कि घंटे घंटे चालू चालू हो गया पहले 24 चालू नहीं था अभी अभी हम ये भी देख लेंगे NFT, और IMPs में अंतरगत। अभी जो नई की हुई है ये, इसको ताकत कहाँ से मिलेगी साहब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इसको अधिकृत होगी कंपनी एक्ट के अंतर्गत बनेगी और भारत के नागरिक और उनके स्वामित्व और नियंत्रण अधीन जितनी भी कोई इकाइयां हैं वह इसके अंतर्गत अम्ब्रेला एन के अंतर्गत आने के लिए क्या कर सकती है अप्लाई कर सकती है लेकिन भैया उनकी पेडीएफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए पांच करोड़ रुपए होनी चाहिए इसके जो भागीदार बैंक है और जो भी गैर बैंक है उनके लिए क्या करेंगे ऑपरेट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम के परिचालन के साथ साथ जो भी संबंध जोखिम आएंगे उनके पहचान और प्रबंधन करेगी देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हम पेमेंट करेंगे कौन से खुदरा भुगतान प्रणाली उसको कैसे बढ़ाया जाए और उससे संबंधित जो भी समस्या आएगी उनको निगरानी भी ये, जो नई एंटिटी करेगी हाल ही में हमारे भुगतान प्रणाली से संबंधित हाल ही घटनाक्रम देख लो एनपीसीआई द्वारा भी किसका स्टार्टिंग किया पी ए आई पाई का स्टार्टिंग किया ये दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है ये है क्या वस्तुते वास्तविक समय आधार पर एनपीसीआई के जैसे उत्पाद है ये प्रोडक्ट है एनपीसीआई के फास्ट फास्टैग रूपे कार्ड यूपीआई आधार इनेबल्ड आपके पेमेंट सिस्टम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैट बोर्ड बनाया चैट बोर्ड क्या है व्हाट्सएप की तरह ही होता है आप उस उसपे क्वेश्चन डालो उसका उत्तर आपको ऑटोमेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप एक क्वेश्चन को ध्यान में रख के उसका उत्तर आपको दे देगा जैसे कि आपने बोला फास्ट फास्टैग का रिचार्ज कैसे कराऊं तो वो आपको चैट पर एक रिवर्ट दे देगा आपके क्वेश्चन को समझ के कि साहब ऐसे ऐसे रिचार्ज करा। ये जो आ, पाई की स्टार्ट किसने किया बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है कारोबार को रोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है एनपीसीआई भारत में पुनः खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्बरीला संगठन है जो स्टेट पीसीएस की सर्विसेज है उसमें पूछा जा सकता है वॉट इज एनपीसीआई तो सीधे लिख देना ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है यह संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है दोनों लाइन लिख देना डाक पे डाकिया मतलब कि इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक द्वारा आरंभ किया गया एक डिजिटल भुगतान ऐप है इसको भी तो डिजिटलाइज होना चाहिए देखा जाए तो हमारे पोस्ट ऑफिस का तो इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर चाहते है तो सबको फेल कर देते पेमेंट सर्विसेज में तो डाक पे और क्या बोलता है इस ऐप का उपयोग डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं जैसे घरेलू मुद्रा अंतरण क्यूआर कोड स्कैनिंग आदि के लिए किया जा सकेगा डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक सारे क्षेत्रीय कंपनी कौन सी आईपीबीपी इसमें भारत सरकार की हंड्रेड इक्विटी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिशासित है संपूर्ण देश में जितने भी भारतीय डाक विभाग के डाक नेटवर्क द्वारा ये क्या करती है भुगतान सेवाएं प्रदान करती हैं भूटान में अपना रुपये कार्ड खूब चलता है उसका द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है द्वितीय चरण में जो भूटानी कार्ड धारक थे उनको भारत में रुपये नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है जैसे कि भूटान के किसी बैंक ने मुझे रुपये कार्ड दिया मतलब रुपये उसमें इनेबल था तो अब मैं भारत में आके भी उस रुपये को यूज में कर सकता हूँ कार्ड को यूज में ले सकता हूँ रुपये कार्ड के बारे में देख लीजिए देखो आपने अपने क्रेडिट कार्ड में और अपने डेबिट कार्ड में भी देखना उसमें लिखा रहता है मास्टर कार्ड लिखा रहता है ठीक है तो जो नीचे जो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है ना इसी तरीके से हमने भी ये तो बाकी विदेशी हैं लेकिन हमने क्या कर दिया अब रुपये हमारा बना दिया ठीक है ये वर्ष दो में प्रारंभ किया गया था जो कि स्वदेशी डेबिट क्रेडिट इंटरनेशनल प्रीपेड और संपर्क रहित कार्ड है इसका उपयोग एटीएम में पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों में ई कॉमर्स वेबसाइट आदि में आप कर सकते हो इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एनपीसीआई द्वारा आरंभ किया गया वर्तमान में रुपए कार्ड ग्यारह सौ अधिक बैंक शाखाओं द्वारा जारी किए जाते हैं जिनमें सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं निजी क्षेत्र के भी बैंक हैं क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक भी हैं भारत ने यू में बहरीन में सिंगापुर में सऊदी अरब भूटान में भी रुपये कार्ड आरम्भ कर दिए हैं कैशलैश इकोनोमी बनाने के संदर्भ में ही रुपये कार्ड को लेके आए थे ठीक कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में भारत को प्रेरित करने के लिए आवश्यक बैंकिंग अवसरचना के निर्माण हेतु की गई पहलों में से एक पहल कौन सी है हमारा रुपए कार्ड का लॉन्च करना चलो आगे देख लेते हैं अच्छा वो एक बार आपको जो ए, आर टी जी एस एन एफ टी और आई एम पी एस में अंतर है वह भी समझ लीजिए इनका कंपैरिजन देख लीजिए देखो आपको मुझे एक रुपये भी अगर ट्रांसफर करना है तो मैं एन से भी कर सकता हूँ आई से भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे दो लाख रुपया उससे ज्यादा करना है तो मुझे आपको आर ही करना पड़ेगा पेमेंट ऑप्शन क्या है एन ऑनलाइन और ऑफलाइन भी होती है और आर ऑनलाइन और ऑफलाइन भी होती है लेकिन जो आई है ये ऑनलाइन ही होगी देखो आई क्या है इमिडिएट पेमेंट ट्रांसफर अगर आपको करना है तो वैसे भी ऑफलाइन ही हो सकती तो शब्दों से समझ जाना कि इसमें भैया ऑफलाइन नहीं होगी ऑफलाइन से क्या तात्पर्य है सर देखो साहब ऑफलाइन से तात्पर्य है कि मैं बैंक जाकर भी एन का फॉर्म फिल करके बैंक वालों को दे सकता हूँ और वो क्या कर सकते हैं पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों में ही आर में भी और एन में भी क्लियर लेकिन आई में बैंक जाके मैं फॉर्म ऐसा कोई फॉर्म नहीं आता आई का जो भर के मैं बैंक वालों को दे दू और बैंक वाले पैसा ट्रांसफर कर दे मिनिमम ट्रांसफर लिमिट क्या है एन और आर में कोई लिमिट नहीं है ध्यान रखना जो ऑफलाइन वाला है पार्ट उनमें कोई लिमिट नहीं है ऑनलाइन में भी नहीं है तो मतलब मैंने चाहा कि साहब एक करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो तो मैं कर सकता लेकिन आईएमपीएस में लिमिट है साहब क्या है दो लाख रुपए है सेटलमेंट टाइप क्या है आधे घंटे में होती है आरटीजीएस रियल टाइम मतलब और आईएमपीएस भी रियल टाइम इससे तात्पर्य क्या है कि अभी मैंने डाला दो चार मिनट में आपके पास पहुंच गया या इमीडिएटली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया एन में टाइम लग जाता है आधे आधे घंटे में रिफ्रेश होती रहती है सर्विस टाइमिंग क्या है एनई बजे से लेके सवेरे के शाम के सात बजे तक वर्किंग कर ट्रांसफर करने पर नहीं लगते आई एम पी एस में अधिकतर बैंकों ने तो वैसे इसको फ्री कर रखा है लेकिन फिर भी कोई चार्जेज लगानी है तो बैंक के ऊपर होता है वो लगाना चाहे तो लगा सकता है नेक्स्ट देख लेते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड देखो पेमेंट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने विकास कोष बनाया क्लियर किसने बनाया है आरबीआई द्वारा पी आई डी गठन की घोषणा की है दोस्तों इसमें इसको समझ लो मोटा मोटा मैं आपको एक लब्बोल्बा बता देता हूँ देखो आप कभी गाँव में जाओ तो गाँव में किराना की दुकान हो गई या आपकी मेडिकल शॉप हो गई वहां पर आपको एटीएम की एक मशीन से रखी मिलती है ना जिससे आप पेमेंट कर सकते हो मतलब कैश नहीं देना मोटा मोटा बात है दूसरा गांवों में पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट ऑफ सेल में क्या होता है कि आपको जैसे कि एटीएम से पैसा निकालते हो इसी तरह पेमेंट किराने वाले के पास ये पॉइंट ऑफ सेल बना दिया आपने बीओबी का तो आप जाओगे उसको कार्ड दोगे सब, आपने कहा हजार दो हजार रुपए चाहिए दो हजार रुपए आपको वो कार्ड से स्वैप करके दे देगा क्लियर और आपके अकाउंट से दो हजार रुपए कम हो जाएंगे या ओवर ड्राफ्ट नहीं है तो आप बाद में भैया मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके सेटल कर देंगे क्लियर पॉइंट ऑफ सेल ये होता है कि आपको एटीएम पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एटीएम को बनाना और उसको लागत को maintain करना भारी काम हो जाता है गाँव में क्योंकि गांवों में ट्रांजेक्शन कम होता है तो इस प्रकार के पॉइंट ऑफ सेल बना दिए जहां पर आप उसी मशीन से पेमेंट भी कर सकते हो पेमेंट प्राप्त भी कर सकते हो क्लियर मोटा मोटा ये मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं 500 करोड़ रुपए के पीएडीएफ का बहुत उद्देश्य डिजिटल दोनों तरीके से पॉइंट ऑफ सेल से संबंधित बुनियादी ढांचे के परिनियोजन को बढ़ावा देने और वित्तीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना था आरंभिक आरम्भिकार्पोर फंड 500 सौ करोड़ रुपये ढाई सौ करोड़ रुपए इसमें से योगदान आरबीआई द्वारा वहन किया जाएगा बाकी का कौन करेगा जो जो सुविधाएं देंगी बैंकों के द्वारा उनसे लिया जाएगा मतलब की जो कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों द्वारा जुटाया जाएगा क्लियर और इसको आ, कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा उसके लिए भैया एक एडवाइजरी काउंसिल बना रखिए जिसको प्रबंधित और प्रशासित कौन करेगा आरबीआई करेगा यही काम का है आपको इतना ध्यान में आना चाहिए पीडीएफ है क्या मोटा मोटा ये एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट फंड बनाया है पांच करोड़ रुपए का कॉर्पस है ढाई करोड़ आरबीआई देगी अच्छा यह बनाने के लिए किसने आपको अनुशंसा की थी नंदन नीलकानी जी की अध्यक्षता में डिजिटल ने ने नेटवर्क के अंतिम चरण में सुधार के लिए एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड की स्थापना की भी घोषणा करी थी और ये आप देख रहे हैं कि उसके परिणति में पी एफ डी एफ आई क्लियर कुल मिला की बात ये हमारे जो जैसे टीयर थ्री और टीयर सिक्स है वहां पर भी हम डिजिटल लेन देन स्टार्ट कर सके ना? और पूर्वोत्तर राज्यों में हमने विशेष फोकस किया है पी का उद्देश्य टीयर टीयर थ्री से लेकर टीयर सिक्स केंद्रों तक आधिकारिक डिजिटल भुगतान अवसरता का विकास करना है पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष जोर दिया गया है और कहाँ पर बोला इन्होंने इन्होंने कहा कि साहब गांव में अगर जाते हो आप किसी व्यापारी को कौन कौन से मतलब व्यापारी को लक्षित किए हैं गांव में जाते हो आप जो परिवहन सेवा देते हैं जैसे आपके प्राइवेट बसों के टिकट देने वाले काउंटर हो गए कोई वहाँ पे गेस्ट हाउस है तो उस प्रकार के आतिथ्य केंद्रों पर भी हो सरकारी भुगतान केंद्रों पर भी हो मेडिकल की दुकान स्वास्थ्य सुविधाएं जो दे रहे हैं वहाँ पर भी हो वहाँ की छोटी क्लिनिक डिस्पेंसरी में हो किराना दुकान पर आप सामान लेने जाते हो तो आपको इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो के बात ये कि भैया ये जो आप एटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना मतलब कम से कम कैश पे दो और अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान करो ठीक है और ये आप सभी जानते हो कैसे कर सकते हो आप भुगतान पॉइंट ऑफ सेल द्वारा जनरल पैकेट रेडियो जीपीआरएस के द्वारा क्यू कोड आधारित भुगतान के द्वारा भी आप कर सकते हो जीपीआरएस में जो मैसेज वगैरह के थ्रू करते हो ना ये इसी के अंतर्गत आ जाता है अब जो नंदन नीलकानी जी का नाम आया इनकी जो घटित समिति थी इनकी एक बार जो जो रिकमेंडेशन थी एक बार देख लें इन्होंने पहली बोली कि सब पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों के आयात पर लगने वाले शुल्क को आप कम करें तथा तत्काल भुगतान सेवा पांच हजार रुपए तक के लेन देन के लिए जीएसटी पर आप छूट दें दूसरा इन्होंने बोला सरतार सरकारी भुगतान डिजिटल साधनों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए जिसमें खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं के लिए भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वेतन एवं पेंशन भी शामिल है पहले तो क्या थी कि आपको ट्रेजरी में जाके कैश पैसा लेके आना पड़ता था सैलरी का लाइन लगी रहती थी आजकल तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है जहां भी आजकल नौकरी सरकारी कर 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 रहे रहे हो हो या प्राइवेट सामान्यतः सब में क्या दिया पेमेंट ट्रांसफर होता है खाता आधार के गलत विवरण के कारण लेन देन में विफलताओं की घटनाओं को कम करने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और एनपीसीआई जैसे मानक सेवाओं का भी उपयोग किया जा सक जाना चाहिए डीबीटी में कनेक्टिविटी तथा प्रमाणीकरण त्रुटियों को दूर करने के लिए समर्पित शिकायत निवारण तंत्र विशेषकर स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहिए जो सपोज करो मैंने पैसा दिया एटीएम के थ्रू किसी दुकानदार को किाना को पैसा गया नहीं गया कुछ पता नहीं चल रहा अब कहाँ से हल मिलेगा भाई दुकानदार ने बोली भैया कॉल सेंटर में फोन कर लो वहां कोई उठाएगा लड़का लड़की तो मैं सूचना दे देगा कि भैया कैसे ठीक करना है आपने फोन किया वो तो, तो अंग्रेजी में बोलने लग गई और हिंदी भी ऐसे बोल रही थी कि भाई हिंदी भी समझ में नहीं आ रही थी बड़ी शालीनता से बड़ी जबरदस्त अब गाँव वाले को इतना कहाँ से समझ में आता है तो क्या करना इन्होंने बोला कि साहब देखो सपोज राजस्थान के लिए आपको कॉल सेंटर बनाना है तो राजस्थान की भाषा को समझने वाला और वहां की लोकल भाषाओं में उत्तर देने वाला इस प्रकार का भी एक आप कॉल सेंटर या शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना चाहिए आरबीआई को विभिन्न क्षेत्रों को तुलना करने के लिए एक वित्तीय समावेशन सूचकांक भी विकसित करना चाहिए कि जो जो सेक्टर हैं कैसा काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्रतिस्पर्धा तो हो ध्यान में तो आए कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है इसके लिए एक आप इंडेक्स बनाइए वित्तीय समावेशन इंडेक्स बनाइए इस स्कीम के की फीचर भी देख लीजिए पहला ये आपने देख लिया भैया एडवाइजरी काउंसिल चेयर बाय आरबीआई डिप्टी गवर्नर कर रहा है ये ऑपरेशनल फॉर टू ईयर्स मे बी एक्सटेंडेड फॉर टू ईयर्स एम्स टू क्रिएट थर्टी लैक न्यू डिजिटल पेमेंट टच पॉइंट एवरी ईयर तीस लाख पेमेंट पॉइंट बनाने हैं

सपोज करो प्रखर तो विकास ने क्या पच्चीस हजार रुपए बकाया मतलब पच्चीस हजार रुपये देने थे और प्रखर को मुझे देने थे मतलब प्रखर को मुझे मतलब मुझे पैसा देना था उसको एक लाख रुपए तो आपस में बैठ के हमने बात कर ली कि देखो साहब पच्चीस हजार रुपये तो मेरे को देने और एक लाख रुपए तेरे को देने तो एक काम कर पच्चीस हजार और इनमें सेटलमेंट कर ले अब तुम मुझे कितने रुपए दे देना अब तुम मुझे पचहत्तर हजार रुपए देना पच्चीस हजार को दे रहे थे तो 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 क्या है नेटिंग से तात्पर्य कि आपस का जो तुम्हारा लेन देन है उसको क्लियर कर देना कि मुझे तेरे को कोई पैसा देना है तो भैया और मुझे तेर से जो पैसा लेना है उसको बराबर कर ले मेरे को तेरे को दस रुपए देने और तेर को मुझे नब्बे सौ रुपए देने तो एक हमने काम किया कि दस रुपए तो कम करके मुझे नब्बे रुपए दे दे वापस क्योंकि दस रुपए तो मेरे को देर को देने थे क्लियर सुर्खियों में देख लीजिए हाल ही में भारतीय बाजार में वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से द नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020 को अधिनियमित किया गया था देखो तो जो भी कोई लेन होता है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही आता है संविधान के अंतर्गत ही आता है ठीक है अब जो हमने ऊपर समझा था डायग्राम है मोटा मोटा सब कुछ वही है भारत की समस्या क्या थी कि पहले हमारे यहां पर ये नेटिंग जो थी बायलेटरल इसको पहले वैधता हासिल नहीं थी लेकिन अब हो गई है अब एक बार देख लेते हैं कि कोई भी द्विपक्षी नेटिंग समझौते के माध्यम से किसी वित्तीय संविधान में शामिल दो पक्षकार एक दूसरे की देनदारियों का निपटान करते हैं इसके तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की बकाया राशि का एक बार में भुगतान कर देता है नेटिंग से तात्पर्य दो पक्षों के मध्य होने वाले सौदों से उत्पन्न सभी दावों के निपटारे से है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को दे या प्राप्त शुद्ध राशि का निर्धारण करता है लैंग्वेज में मत जाना मोटा मोटा ये कि भैया तूने मेरे से जो पैसे लिए और मेरे को तेरे को जो पैसे लेने थे दोनों को काट पीट ले उसके बाद जो बचे वो उसको पैसा दे दो ठीक बहुपक्षीय नेटिंग समझौता के अंतर्गत एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के माध्यम से विभिन्न एक दूसरे की का निपटारा करते हैं देखो हमारे यहाँ पर पहले ध्यान देने वाली बात अब यह हैल्टीलेटर नेटिंग एग्रीमेंट काम किया करता था जिसको भैया सुविधा के लिए ताकत कहां से मिलती थी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टमेंट एक्ट दो के अंतर्गत अब क्या हो गया द्विपक्षीय की जो पहले अनुमति नहीं थी अब अनुमति प्रदान कर दी गई है किसके अंतर्गत ये हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा था ना भारतीय वित्तीय संविधान का उसके अंतर्गत और आप भारत की यदि स्थिति देखते हैं इस प्रकार की तो कुल वित्तीय संविधान में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संविधाओं का हिस्सा कितना है चालीस प्रतिशत है बायोलेटरल नेटिंग एक्ट का और साठ परसेंट किसका है आपका मल्टीलेटरल नेटिंग एग्रीमेंट का हिस्सा है तो ये चालीस प्रतिशत की जो दिक्कत थी ना ये यही की यही खत्म कर दी इसकी वजह से अटका रहता था वो क्या बोलता था पहले पहले मेरा सौ रुपए तो वापस कर वो कहता था नहीं पहले मेरा दस रुपए तो वापस कर या इसने सौ रुपए दे दिए तो इसका दस रुपए आने में टाइम लगता था इस चक्कर में भैया पेमेंट में और लिक्विडिटी में बड़ी समस्या आती थी तो यह जब से बायलेटल नेटिंग एग्रीमेंट चालू लागू होने से क्या हो गया अब दोनों ने तय कर लिया कि भैया दस रुपए मेरे हो गए कैंसिल अब नब्बे रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दे सीधे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तो नेटिंग बहुत सामान्य है ही वहां पर नेट पोजिशन पर ही दावों का समझौता मतलब दावों का निपटान किया जाता है वर्तमान में आप देखो यूएस से हो गया यूके हो गया ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान फ्रांस जर्मनी सिंगापुर मलेशिया जैसे देशों में ये कानूनी प्रावधान भी इसके लिए बनाए रखे हैं अगला देख लो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति जैसे वैश्विक नियामकों ने भी इस नेटिंग का समर्थन किया है ध्यान रखना नेटिंग आ जाए तो किससे रिलेटेड है कि तूने मेरे से कितना पैसा लिया मेरे को तेरे को कितना पैसा देना है सिंपल सा आपस में जो लेनदारी आपने देनदारी कर रखी है उसका नेट निपटान से संबंधित है एडवांटेज क्या है देखो रिड्यूस रिस्क एंड रेगुलेटरी कैपिटल बर्डन फॉर बैंक अब इसे बैंक को क्या था कि किसी को सौ रुपए देना है लेकिन उसको मालूम है भैया पचास रुपए तो मुझे भी उससे लेने थे लेकिन सौ रुपए देना है उसकी वजह से क्या रहता था बैंक बर्डन भी रहता था अब क्या हो गया पचास रुपए तो वहां कटवा दिए

अब कुछ शब्दावली है उन शब्दावली को देख लो अपने जो पुराने विद्यार्थी है वो तो इन सभी शब्दावलियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे पहला डेरिवेटिव्स के बारे में देख लेते हैं डेरिवेटिव्स क्या है एक सिक्योरिटी प्रतिभूति है जिसमें प्रतिभूति का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य पर निर्भर करता है उससे प्राप्त किया जाता है जैसे कि सपोज करो ये सोना है मतलब गोल्ड है तो मैंने कोई गोल्ड का डेरिवेटिव निकाला दस ग्राम गोल्ड कितने का है उसके अकॉर्डिंग में क्या बनाऊंगा उस डेरिवेटिव कागज के टुकड़े पर उसकी कीमत लिखाऊंगा सामान्य प्रकार के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं ऑप्शन होते हैं व्यवहार करते हैं तो उसे ओटीवी ओटीसी डेरिवेटिव्स कहते हैं देखो ये सब समझने के लिए भैया पुराने लेक्चर देख लेना और उन लेक्चर्स में इनके खूब उदाहरण के समझा रखे क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट क्यूएफसी का अभिप्राय वित्तीय बाजार की दो अहर सहभागियों के मध्य द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट से जहां क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अधिसूचित द्विपक्षीय संविधाओ कम से कम एक पक्षकार उपयुक्त प्राधिकार के अधीन विनियमित मतलब कहने के तात्पर्य कि यार क्वालिफाइड में क्या होता है एक जो होता है यहाँ तो आपने ओवर द काउंटर में देखा दो पक्षकार आपस में सहमति से कर लिया ठीक है ना समझो से क्यू एफ आई में क्या होता है दोनों कहीं ना कहीं जो पक्षकार आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें से एक एटलीस्ट क्या होता है जो ऑथराइज जैसे सेबी इंडिया हो गया आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड या विनियमित इकाई होता है वित्तीय द्विपक्षीय अधिनियम 2020 के बारे में यह अधिनियम क्वालिफाइड फाइनेंशियल संविधाओं की द्विपक्षीय संविधा होते हैं यह अधिनियम निम्नलिखित के बारे में क्या प्रावधान करता है देख लीजिए देखो शब्दावली के बारे में तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए कि मोटा मोटा इसके बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है केंद्र सरकार कुछ भी नियामक प्राधिकरणों को किसी द्विपक्षीय समझौता या संविधान या लेन देन या अन्य प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को पी के रूप में घोषित करने का अधिकार होता है ये प्राधिकरण है सेबी आरबीआई आदि जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि एक तो क्वालिफाइड हो उपयुक्त प्राधिकारी किसकी बात हो रही है इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। इनने तो एटलीस्ट उसको क्या कर रखा हो एक्रेडिट कर रखा हो इसमें नेटिंग तो की शर्तों से बाहर निकलने के लिए कुल दे राशि का निर्धारण करने के लिए उपबंध भी शामिल है इस क्षेत्र से जुड़े प्रशासकों की शक्तियां में कुछ सीमाएं आरोपित होती है मोटा मोटा इतना इसका ध्यान करने की जरूरत नहीं है मोटा मोटा ध्यान कर लेना भैया कि ये जो इनके द्वारा अगर किसी QFC में एक को क्या होना चाहिए करना या उसको आपने एक तरीके से कर रखा है उसको आपने मान्यता प्रदान कर रखी है उनके मध्य होने वाले समझौते में यदि एक इस प्रकार की कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी आई एफ एस सी ए देखो फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में हमने समझाई था कि फाइनेंशियल वित्तीय क्षेत्र में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उससे संबंधित ही इंडस्ट्री है देखो पेमेंट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट दो पार्ट में इसमें देख लो पेमेंट में हम देखते हैं पेमेंट बैंक हो गए मोबाइल वॉलेट हो गए पेमेंट गेट पे हो गए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए जिसके अंदर ए टीएम और एम्पोज आ गए आप देखते हैं पेमेंट बैंक के अंतर्गत आपके जैसे उज्जैन उज्जीवन बैंक है कैसे बैंक ऑनलाइन ही अपना सारा पेमेंट कर कर सकते हैं मोबाइल वॉलेट से आप सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सकते हैं रूपे करके भी हमारा एक पेमेंट गेट जिसके माध्यम से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए ए और एम्पोज करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल जो भी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उसमें लैंडिंग आप ऑनलाइन करवा लीजिए इंश्योरेंस ले लीजिए ऑनलाइन जैसे आपका ऑनलाइन पॉलिसी के लिए आता है जो इंडिया पॉलिसी करके और कई साइट्स हैं जो आप देखते ना नेट पर आती रहती हैं तो उस प्रकार पॉलिसी बाजार है वहाँ पर आप डायरेक्ट इंश्योरेंस करा सकते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है एनपीएस में अब आपको जाके ऑफिस में जाके पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक आप नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा जमा करा सकते हैं म्यूचुअल फंड करना खरीदना है बेचना है उसमें ब्रोकिंग करना है तो सारे काम वो आप मोबाइल पे कर सकते हो ठीक है ये क्या है इससे संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी इसको बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बनाया के अंतर्गत फिनटेक समाधान का लाभ लेने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए एक रूपरेखा बनाई गई है वो देख लें आई एफ एस सी ए के लिए बारे में देख लें एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में ऐसी बनाई है जैसे दुबई में बड़ी बड़ी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की सिटीज होती है ना वैसी बड़ी शानदार बनाई में स्थित है ये आई एफ एस सी क्लियर ये क्या करता है बीमा बैंकिंग प्रतिभूति फंड म्यूचुअल फंड इत्यादि के लिए जो ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज है इसको बढ़ावा देगा क्लियर अब ये जो रेगुलेटरी सैंड बॉक्स बनाया है इन्होंने ये कहा है कि भैया तुम कैसे भी करके इन सर्विसेज को इन नई टेक्नोलॉजी को यूज में लो इसके लिए हमें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना है उसमें हम कमी कर सकते हैं जैसे कि सपोज करो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको अगर कोई अपना म्यूचुअल फंड बेचने खरीदने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए तीन आपको अनुमति लेनी होती है तो क्या कहेंगे कि यार अभी आप दो अनुमति ले लो और काम चालू कर दो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया मतलब कि ये जितने भी नवीन फिनटेक समाधान है इसको प्रयोग करने के लिए आपको हमको सुविधाएं भी देंगे और आपको इनिशियली चालू करने के लिए कुछ हम नम्यता भी करेंगे है ना कुछ आपको मदद देने के लिए इतना कठोर नहीं रहेंगे कि आप उसको बस चालू करो एक बार जैसे क्या हो लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल साक्षरता जो हम डिजिटल साक्षरता की बात कर रहे थे फाइनेंशियल डिटेल साक्षरता के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जोड़ सके ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक एक नियंत्रित वी के परिवेश में नए उत्पादों या सेवाओं जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ आ रहे रहे हैं रहे हैं सर्विसेज उसका प्रत्यक्ष परीक्षण को संदर्भित है और इसको करने के लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु आपको कुछ छूट भी प्रदान करते हैं कि साहब इनको काम में तुलवा तो वि विनियामक ही छूट प्रदान करते हैं क्लियर और आई ने अः रीट और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आई के लिए एक वी विनियामक ढांचा भी बनाया ज्यादा टेंशन मत लेना भाई ये देख लेना कि एक और एक दो ये दो ऐसे इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं जो क्या करेंगे वो देख लो एक बार भारत में अन्य विदेशी अधिकार क्षेत्रों में क्रमशः रियल इस्टेट परिसंपत्ति और अवसरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति प्रदान कौन करेगा आई करेगा और किसके माध्यम से करेंगे आरई और इन्वेस्टमेंट आई के माध्यम से करेंगे क्लियर एक हमारे फाइनेंशियल एक्शन एक्शन टास्क फोर्स होता है ये क्या करता है दोस्तों कि कोई जो इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है वो कोई काला धन आतंकवाद के लिए पैसा इस प्रकार से तो नहीं आ रहा है उसको चेक करता है ठीक है ना इनकी दिशा निर्देशों को जो जो देश पालन कर रहे हैं वहां पर ये आर आई टीज और इन्वेस्टमेंट आई टीज को गिफ्ट आई एफ एस में जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की भी अनुमति प्रदान करी गई है ठीक है और ये कैसी है भैया इन्वेस्ट आ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आई ये म्यूचुअल फंड के समानी होती है जैसे कि, कि आपने मैंने सबने मिलकर कहीं पर कोई पुल बन रहा था उसमें भैया इन्वेस्टमेंट हमने किया और उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो फिर लाभ मिलेगा जितना मैंने पैसा दिया उस अनुपात में मुझे लाभ का हिस्सा भी मिल जाएगा ठीक है ना यही बात है निवेश करने की अनुमति है और इसमें आ, जो आय सृजित होगी उसका आपको भैया क्या होगा उतना आपको लाभ भी मिल जाएगा क्लियर ठीक है आगे और इसको विनियमित कौन करता है इसको विनियमित सेबी करती है ठीक है मोटा-मोटा इतना ही है ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस में मत जाना म्युनिसिपल बॉन्ड ये बड़ा प्यारा चीज देख लो अभी योगी जी जब मुंबई गए थे तो उन्होंने तहलका मचा दिया था क्या सेबी में जाके घंटा बजा के आए थे सब 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 सबकी हवा टाइट कर दी थी एक सीएम ने बाबा जी ने देखो लखनऊ नगर निगम का इन्होंने एक म्यूनिशिपल बॉन्ड जारी किया था तो अभी तक हम बॉन्ड देखते हैं अगर आपको ध्यान में होगा कोई बैंक ने किया कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने किया नगर निगम ने बॉन्ड जारी किया बॉन्ड क्या है भैया वो एक कागज का टुकड़ा है सौ रुपए लिख के मैंने कागज का टुकड़े का बॉन्ड बना के बेचा और कहा कि साहब ये आप ले लो एक साल बाद आप ये कागज का टुकड़ा मुझे वापस करोगे तो मैं आपको एक दूंगा मतलब आठ ब्याज भी दूंगा क्लियर ये बेसिकली लेन होता है इसमें अब इन्होंने बोला कि साहब इस बॉन्ड को जो हम जारी कर रहे हैं कहां पर एक, इन्होंने लिस्ट करवा दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसको सूचीबद्ध करा दिया मुंसिपल बॉन्ड क्या है ये देख लो ये सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किया गया ऋण प्रतिभूति है ऋण की प्रतिभूति ऋण गारंटी इन्हें सिविल परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है वहां पर इसके इस प्रकार के बॉन्डो के माध्यम से धन राशि आपकी जुटाई जाती है और इस पर एक निश्चित ब्याज दर दे होती है दो प्रकार के भैया ये बॉन्ड होते हैं कौन कौन से पहला जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड और रेवेन्यू बॉन्ड जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड में क्या हो गई देखो भैया जल आपूर्ति स्वच्छता कोई आपके <coughs> माफ करना वेस्ट 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 मैनेजमेंट इत्यादि का निपटारा करना होता है देखो इनमें कोई कमाई तो होती नहीं लेकिन क्या है ऐसी कुछ परियोजनाओं में निवेश करने के लिए इस प्रकार के बॉन्ड निकाले जाते हैं ठीक है ना और किसी विशिष्ट परियोजनाओं के द्वारा प्राप्त राजस्व द्वारा ये समर्थित नहीं होते हैं। दूसरे दूसरा रेवेन्यू बोर्ड सबसे पहली बात विशेष उद्देश्य के लिए जारी करे जाते हैं जैसे टोल रोड बनाया टोल ब्रिज बनाया इसमें लाभ क्या रहता है टोल रोड बनाया तो उससे जो टोल टैक्स से पैसा मिलेगा उससे हम क्या कर सकते हैं भैया हम जो भी बॉन्ड हम दिए हैं उस पर इंटरेस्ट या ब्याज का भुगतान कर सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि भैया लखनऊ ने ही सबसे पहले किया था ये बेंगलुरु नगर निगम ने नाइनटीन में सबसे पहले ये बॉन्ड जारी किया था भारत में म्युनिसपल बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम सहकारी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी है अब तुम्हारे मन में ये बात आनी चाहिए कि साहब एक बार बताओ क्या कोई भी म्युनिसपल बोर्ड जारी कर सकता है क्या नहीं इसके लिए कुछ शर्तें हैं वो देख लेते हैं हम सेबी ने इसमें दिशा निर्देश क्या दे रखे से नियम दो हजार पंद्रह के अनुसार नगर पालिका या कॉर्पोरेट म्युनिसपल एंटिटीज को म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए कुछ शर्तों की पालना करनी पड़ेगी एक तो भैया पिछले तीन सालों में तुम्हारा जो नेटवर्थ होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट में नेगेटिविटी शो नहीं होनी चाहिए नॉन डिफॉल्ट ऐसा नहीं हो कि आपने कहीं लोन लिया और पिछले एक साल तीन सौ पैंसठ दिन के अंतर्गत बैंकों वित्तीय संस्थानों को आपने वापस पैसा देने में चूक कर दिया अगला आपकी जो लागत है परियोजना का उसका बीस प्रतिशत कम से कम बीस प्रतिशत योगदान नगर पालिका की परियोजनाओं का इसके माध्यम से होना चाहिए कम से कम मतलब कि सौ रुपए की यदि कोई आ, कोई परियोजना है अस्सी रुपए तो से अपन और रुपए अपन ने कम लिएफॉल्टर जान बुझ के तो आपने भैया कोई चूक नहीं करी है और इसमें क्या होता है आरबीआई एक विलफुल डिफॉल्टरों की एक सूची निकालता है इन विलफुल डिफॉल्टरों की सूची में आपका नाम नामित नहीं होना चाहिए ठीक है ये इसकी मुख्य एक शर्त होती है दूसरा एक रेटिंग प्रदान करती है एक निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट रेटिंग होती है आप देखते हैं ना ट्रिपल ए रेटिंग डबल ए रेटिंग इस प्रकार की निवेश की रेटिंग आपकी होनी चाहिए ठीक है ना अनिवार्य रेटिंग यदि आपकी है तो आप क्या कर सकते हैं बॉन्ड जारी कर सकते हैं जो माननीय योगी जी ने करके दिखा दिया बॉन्ड्स के बारे में और समझ लेते हैं बड़े आन... आपको भी इन बॉन्ड्सों के बारे में जानकर बड़ा आनंद आएगा देखिए पहला है श्योरिटी बॉन्ड्स देखो श्योरिटी बॉन्ड्स में क्या है ये ट्राइंगल के माध्यम समझो साहब इसमें तीन पक्षकार होते हैं ठीक है इस श्योरिटी बॉन्ड में तीन पक्षकार होते हैं उनके एक त्रिपक्षीय समझौता होता है क्लियर अब इसमें देखो एक पक्षकार तो होता है आपका ये प्रिंसिपल डायरेक्टर मतलब मुख्य देनदार ये मुख्य देनदार क्या करता है साहब कि भविष्य में किए जाने वाले किसी भी कार्य की गुणवत्ता की ये गारंटी देता है ठीक है ना जो भी बॉन्ड क्रय कर रहा है ना उसको एक तो प्रिंसिपल की तरफ से गारंटी मिलती है एक होता है ये ऑब्लिक <coughs> बाध्यताधारी ओबली जी क्या करता है ये ऑब्लिजी बोलता है साहब कल को तुम्हें कोई भी नुकसान हो गया ना तो इस नुकसान को होने पर ये बॉन्ड मैं आपसे खरीद लूंगा सपोज करो इस बॉन्ड पे सौ रुपए की आपको खरीद लिखी है ना आफ्टर मेच्योरिटी टाइम और, और सपोज करो नुकसान हो गया ज्यादा तो ये जो ऑब्लिजी है ये क्या कहता है चिंता मत करो ये सौ रुपए तो मेड़ से ले जाना आपको एक सिक्योरिटी ये मिल गई तीसरी होती है श्योरटी कंपनी ये शॉर्टी कंपनी जो लिखा हुआ है ना साहब ये प्रतिभू कंपनी ये क्या करती है जो बॉन्ड जारी करती है देखो इन दोनों ने जब श्योरटी दे दी और यहां से फिर बॉन्ड कौन जारी कर रहा है ये कंपनी जारी कर रही है कंपनी जारी करती है ठीक है और जारी करके इनके ऊपर जो वित्तीय गारंटी प्रदान करते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं शॉर्टी बॉन्ड्स भी बोलते हैं सिंपल इसको इतना सा साध लो क्लियर नेक्स्ट कंसोल बॉन्ड बेमियादी जिसकी कोई मियाद नहीं होती ऐसा बॉन्ड जिसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अच्छा ऐसा भी कोई बॉन्ड होता है बिल्कुल होता है अब इस बॉन्ड में क्या रहेगा इस बॉन्ड में यह रहेगा कि साहब आपको जैसे मैंने कहा कि एक वर्ष के लिए कोई बॉन्ड दिया ठीक है ना जिसकी मियाद है और एक वर्ष बाद आपने अठान रुपए में बॉन्ड लिया था और सौ रुपए हम आपको देंगे तो इसमें तो समय सीमा तय है लेकिन बेमियादी बॉन्ड में इसकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है लेकिन इसमें आपको एक निश्चित आय प्रदान करते रहते हैं इनको भी कहते हैं देखो साहब आपको अगर आप बेमियादी बॉन्ड लिया आपने सौ रुपए का तो हर वर्ष हम आपको दस रुपए ब्याज के रूप में देते रहेंगे ये कंटिन्यूस देते रहेंगे ठीक है ना तो ये क्या कहलाता है आपका बेमियादी बॉन्ड कहलाता है जिसमें मियाद नहीं होती जिसमें परिपक्ता अवधि की तिथि जो फिक्स नहीं होती ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं कॉन्सोल बोर्ड या बेमियादी बॉन्ड बोलते हैं इस प्रकार के बॉन्ड्स को अक्सर ऋण की बजाय इक्विटी का प्रकार माना जाता है इस प्रकार के बॉन्ड्स में एक बड़ी कमी ये है कि ये रिडीम नहीं होते वही मोच नहीं मतलब रिडीम मतलब कि आप ये सौ रुपए का जो बॉन्ड है इसको वापस दे के कंपनी को ये नहीं कह सकते कि जो मैंने सौ रुपए लगाए या सौ रुपए का बॉन्ड खरीदा था मुझे वापस दे दो नहीं एक बार खरीद लिया खरीद लिया अब आपको उससे क्या मिलेगा ब्याज मिलता रहेगा और प्रमुख लाभ इसीलिए इस बॉन्ड के लिए कहा जाता है कि ब्याज की एक स्थायी राशि का आपको भुगतान होता रहता है क्लियर अगला है नकारात्मक यील्ड यील्ड बॉन्ड नेगेटिव बॉन्ड बहुत शानदार बॉन्ड के देखो इसके बारे में जान के आपको बड़ा आनंद आएगा अभी तक तो हम बॉन्ड में क्या पढ़ रहे थे कि हमने जैसे सपोज करो सौ रुपए का बॉन्ड था अट्ठानवे में लिया ठीक है इधर डिस्काउंटेड प्राइस में लिया या फिर हमने सौ रुपये का लिया और एक वर्ष बाद हमको एक सौ दस रुपए मिलेंगे ये बॉन्ड में लिखा रहता है बेसिकली ठीक है ना अब यहाँ पर किस प्रकार का बॉन्ड है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड और बॉन्ड आप सब जानती हो क्या होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है कागज का टुकड़ा होता है जिसके माध्यम से क्या होती है मनी हम बोरो करते हैं ऋण लेते हैं ना एक तरीके से और क्या होती है yield आप सभी जानते हो इस बॉन्ड पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बोलते हैं कितनी है किसी बॉन्ड पे इसका मतलब उस पर कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है यील्ड ऑफ ऑफ बॉन्ड इज द इफेक्टिव रेट रिटर्न दैट इट ये इसकी परिभाषा भी होती है ये सारी बातें आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में सब बता रखी है ठीक है अब ये कैसा नेगेटिव ध्यान करो मैं आपको एक बार बता देता हूँ नेगेटिव से क्या तात्पर्य देखो ये बॉन्ड ऐसा है कि जैसे सौ रुपए का ये बॉन्ड है ना ठीक है तो ये आपको इसमें जैसे ए कोई खरीदार है तो ये जो बॉन्ड खरीदेगा ना तो ए ब्याज देगा मतलब क्या ए उल्टा पैसा दे रहा है समझ रहे हो आप क्यों दे रहा है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा देख लो एक बार एक बार ये मैं आपको इसका ब्रीफ बता देता हूँ फिर इसको और क्लियर करूंगा हाल ही में चीन ने पहली बार नकारात्मक प्रतिफल बॉन्ड की बिक्री की है यूरोप की तरफ से बहुत जबरदस्त मांग भी आई है ये ऋण प्रपत्र है जो निवेशक को बॉन्ड के क्रय मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने की पेशकश करता है मतलब सौ रुपये का लिया तो एक साल बाद हम आपको सौ रुपये नहीं हम आपको अट्ठारह रुपए देंगे ठीक है सामान्यता केंद्रीय बैंकों या सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा निवेशक अपने धन को उधारकर्ताओं के पास रखने के लिए उन्हें ब्याज का भुगतान करते हैं एक तरीके से दो रुपए जो काटे हैं इसने मतलब सौ रुपए का बॉन्ड लिया और अट्ठारह रुपए एक साल बाद वो जो जिससे भी आपने बॉन्ड लिया मतलब बॉन्ड जिसको बेचा है उसको मिल रहे हैं तो इट मीन क्या हो गया आपने ब्याज का भुगतान कर दिया ना अच्छा नकारात्मक यील्ड बॉन्ड तनाव और अनिश्चितता के समय निवेश को आकर्षित करते हैं क्योंकि निवेशक अपनी पूंजी को महत्वपूर्ण शरण से बचाने का प्रयास करते हैं मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है ना आपके भी दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आप ऐसा करना पड़ रहा है कि नेगेटिव में देना पड़ रहा है देखो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जैसे अभी क्या चल रहा है यूरोप में कोविड की वजह से आप सभी को मालूम है वहां की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है और सपोज करो कि आप सौ रुपए आपके पास थे ठीक है और आपको मालूम पड़ा जैसे सौ रुपए यूरोप में आपके पास थे इसको पॉन्ड कर देते हैं ना ठीक है सौ रुपए आपके पास थे तो हुआ क्या कि एक वर्ष में जो इन्फ्लेशन रेट है महंगाई हमने देखा दस परसेंट है तो दस परसेंट के हिसाब से सौ रुपए की कीमत बाद में कितनी रह जाएगी नब्बे रह जाएगी ठीक है तो ये क्या करेगा जो उसके पास सौ रुपये पड़ा है इसके बदले में नेगेटिव यील्ड बॉन्ड खरीद लेगा और सपोज करो इस नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में इसको पाँच प्रतिशत की कटौती होगी तो इसको कितने रुपए मिले पच्चाव रुपये मिले अगर वो यहीं पर रखता है एक वर्ष के लिए तो नब्बे हो जाते और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं पचानवे रुपये मिल रहे हैं क्लियर है अब इसमें कई चीज़ें आती हैं कि भैया ये क्यों करते हैं इसमें यूँ भी बोलते हैं कि साहब आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना हो उसके लिए भी इसको यूज़ में लेते हैं टू डाइवर्स योर पोर्टफोलियो और देखो है तो ये बॉन्ड ही तो आपके कॉलेट्रल सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज में लिया जा सकता है कॉलेट्रल सिक्योरिटी आप सब जानती हो धरोहर जैसे रखनी पड़ती है लोन लेते हैं तो और डोमेस्टिक डिफ्लेशन जो मैंने आपसे चर्चा किया एक डोमेस्टिक और तगड़ा डिफ्लेशन हो उसके लिए भी बचाव करने के लिए रखते हैं और एक सेफ है ना आपकी हेवन एसेट भी बना देता है ना मुसीबत के समय में ज्यादा नुकसान नहीं होगा तो भैया एक काम करो आप नकारात्मक प्रतिफल बॉन्ड खरीद लो अच्छा चाइना को आकर्षित हो रहे हैं वैसे मैं आपको बता दूं यूरोप की इस कोविड की इकोनॉमी में इनको ट्रिलियंस ट्रिलियन ध्यान रखो ट्रिलियंस डॉलर क्या इन्वेस्ट करने पड़ गए भैया समझ रहे हो तो इतना नुकसान होने के बाद ये भरपाई करने के लिए तो बड़ी दिक्कत आती है तो यहाँ के यूरोपियंस के पास जो पैसा था वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना के इस बॉन्ड में कर रहे हैं और चाइना क्या बोल रहा है कि साहब देखो हमारे यहाँ की जीडीपी है तो अब ठीक होने लग गई है हमारे यहाँ पर अब कोई समस्या नहीं है चाइना ये प्रोक्लेम कर रहा है और हमारी जो कोविड केसेस हैं वो भी अब इंक्रीजिंग विंक्रीज नहीं हो रहे उल्टे अब तो न, आ, हम दुनिया की ठीक कर रहे हैं और चाइनीज बॉन्ड में रिस्क लो है तो इसलिए यूरोप वाले कहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं ठीक है, है ना अब दूसरी बात समझो है तो नीच आदमी इस चाइना ने ही पूरे देश में हाहाकार मचाया लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा अपने एक कहावत है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं तो ऐसे आदमी तो बीच चौराहे में नंगा करके जब तक कोड़े मारने चाहिए जब तक तो मर नहीं जाए कितने लाखों लोगों को मार दिए बायोलॉजिकल वार फिर करता ही रहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और फिर अभी भी हमको नहीं समझ में आती कि जो बे जरूरी के सामान है वो भी हम चाइना से खरीदते रहते हैं जैसे कि एक साबुन तो चाइना का है एक भारत का है तो भैया चाइना वाला मत खरीदो ऐसी चीज तो मत लो कम से कम चाइना से अगर ब्रश आ रही है टूथब्रश आ रही है तो भैया ये मत लो भारत की बनी हुई टूथब्रश ले लो हाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है सेमी कंडक्टर हुआ कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा पार नहीं पड़ रही तो वो ले लो उसमें इतना भी मतलब आ, आपको एक्सट्रीम लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है लेकिन भैया ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनमें तो आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो कोई बल्ब है सपोज करो चाइनीज बल्ब दस का मिल रहा है भारतीय बल्ब बारह का मिल रहा है तो भैया ये ले लो ये वाला बल्ब मत लो हाँ मेड इन इंडिया वाला ले लो ये छोटी छोटी चीजों का तो काम कर ही सकते हो आप बिल्कुल खत्म करने के लिए नहीं बोल रहे लेकिन जो जहां पर आप कर सकते हो वो करना चाहिए चलिए नेक्स्ट है इसमें जीरो कूपन बॉन्ड शून्य कूपन बंद पत्र ये भी आप जानते तो होंगे और हाल ही में जब केंद्र ने पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए ये जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए थे देखो ये बेसिकली इसमें इतना समझ लो कि इसमें क्या आएगी सौ रुपए का था ना तो ये सौ रुपए का था लेकिन मैंने कितने में दिया नाइन्टीज में दिया कितने में दिया आपको 98 रुपीज में दिया यही होता है इसमें फिर बाद में आपको सौ रुपये मिल जाएंगे इसके बदले में और कोई ब्याज व्याज आपको नहीं दिया जाता है ये कूपन वस्तु एक आवधिक ब्याज होता है इसे बंद पत्र धारक या बंद पत्र जारी करने के समय से परिपक्वता अवधि तक प्राप्त किया जाता है शून्य कूपन बंद पत्र एक डिस्काउंट ये दो रुपए का जो डिस्काउंट दिया ना उसी की बात है। डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और अवधि पर था सौ बाद जब मैं बॉन्ड जमा कराऊंगा और मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे सौ रुपए मिल जाएंगे तो ये क्या है डिस्काउंट में लेके आया था अब मुझे अंकित मूल्य पे वापिस मैं इसको बनाऊंगा तो पैसे मिल जाएंगे उल्लेखनीय कि ऐसे बंद पत्रों पर परिपक्वता अवधि से पूर्व अंतराल पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता मतलब जितने समय के लिए आपने लिया जाता है ना बीच में कोई आपको ब्याज नहीं दिया जाता है बस आपको तो सीधे ही जब आपको रिडीम करना है तो आपका जितने का बॉन्ड है वो पैसे आपको मिल जाएंगे ये सारे बॉन्ड वैसे प्रीवियस क्लासेस में सब डिस्कस कर रखे नेक्स्ट सामाजिक प्रभाव बॉन्ड सोशल इंपैक्ट बॉन्ड एस आई बी शब्द पकड़ लो सोसाइटी में कुछ इंपैक्ट लाने के लिए आपने बॉन्ड जारी किया है ठीक है अब यह भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिंपरी नगर निगम ने देश का प्रथम सामाजिक प्रभाव का करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत यूएनडीपी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए एस एसआईबी सार्वजनिक क्षेत्र या साक्षी प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है इसके तहत ये निश्चित परियोजनाओं में बेहतर सामाजिक परिणाम के लिए पूंजी उपलब्ध करवाता कर है एसआईवी निवेशकों को परियोजना द्वारा सज्जित बचतों से प्रतिलाभ प्रदान करता है मतलब जो आप परियोजना में इन्वेस्ट करवाओगे उसके बाद जो लाभ मिलेगा उस लाभ पर आपको क्या जो भी लाभ मिलेगा वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा और ये जो एस आई भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें स्टार्टिंग में तय कर दिया जाता है कि अनुबंध की शुरुआत में ही प्राप्त किए जाने वाले जो परिणाम है वह लक्ष्य पहले ही निर्धारित किए जाते हैं कि साहब ये काम करेंगे तो हम ये टारगेट अचीव होगा ठीक है और भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ के बारे में देख लें आप तो वैसे पुराना हो गया ये मैंने भी साहब ये भारत ट्वेंटी टू एक्सचेंज जो फंड है इसमें पैसा लगाया था शुरू में तो लाभ हुआ बाद में पैसा कम हो गया चलो ये क्या है एक एक्सचेंज ईटीएफ क्या बोलते हैं जैसे इसमें कई सारी कंपनी को इकट्ठा कर लेते हैं जैसे भारत ट्वेंटी टू है तो टॉप की कोई ट्वेंटी टू कंपनीज है उनको इकट्ठा कर दिया और उसमें शेयर मतलब फिक्स कर दिए जैसे सपोज करो एक बार ये समझ लो फिर आपको ऊपर की बात करेंगे भारत ट्वेंटी ईटीएफ जैसे बाईस कंपनियों में निवेश करेगा ये जो इन्होंने बनाया है एक यूनिट बनाई है और ये बी एस सी एस पी के अंतर्गत बाईस सूचकांक का गठन करते हैं मतलब ये एक बना देते हैं इनके एस एंड पी बी एस बी एस सी के अंतर्गत ये लिस्टेड रहती हैं इनमें उन्नीस कंपनियां जो बाईस में से कौन सी हैं गवर्नमेंट सेक्टर की हैं तीन निजी क्षेत्र की अब इनके फिक्स होते हैं कि हम साहब आपने सौ रुपए लगाए तो एल में हम सोलह पॉइंट सात रुपए खर्च लगाएंगे आई में चौदह पॉइंट तीन रुपए लगाएंगे एस में नौ पॉइंट चार लगाएंगे ऐसे ऐसे इनके फिक्स होते हैं कि इतनी इतनी प्रतिशत में राशि हम आपके लगाएंगे ठीक है अब ये जो सूचकांक में जैसे बता रखा है फॉर एक्साम्पल बीस प्रतिशत तो आपके क्षेत्र आधारित सीमा और पंद्रह प्रतिशत एकल स्टॉक सीमा आधारित है मतलब किसी एकल स्टॉक में किया तो फिफ्टीन परसेंट किसी क्षेत्र आधारित में आपने निवेश किया तो बीस परसेंट मतलब की ऑटोमोबाइल सेक्टर एक पूरा सेक्टर हो गया और पंद्रह एकल स्टॉक हो गया मतलब पंद्रह टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर दिया इससे आधा आप नहीं कर सकते ये बेसिकली टी एफ कुछ नियम कायदे होते हैं अब आगे देख लो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जो ट्रिपल ए रेटेड हैं और निश्चित परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड में निवेश किया जाता है ईटीएफ एक प्रतिभूति है जो इंडेक्स फंड की बात ही एक सूचकांक कमोडिटी या परिसंपत्ति के समूह की निगरानी करता है किंतु इन प्रतिभूतियों को किसी एक्सचेंज पर एक स्टॉक की तरह क्रय विक्रय किया जा सकता है ठीक है मतलब आपने एक ईटीएफ भी खरीद सकते हो है ना जैसे एक शेयर लिया ना एक ईटीएफ आपने ले लिया भारत ट्रेडेड फंड का अब एक टी मतलब आपको सौ रुपए का था सौ रुपए में से आपके सोलह रुपए एल एन टी में लग गए चौदह रुपए आई टी सी में लग गए एक ईटीएफ भी आप खरीद सकते हो जो भी उस एक यूनिट की रेट आपकी एक्सचेंज में चल रही है इटीएफ के माध्यम से एकत्रित एक की गई धनराशि भागीदार केंद्रीय सारण क्षेत्र के उद्यमों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण योजनाओं को सुचारू बनाने में भी मदद करती है कुल बात यह कि आपने पैसा लगा दिया अब ये कंपनियां कैसे आगे बढ़ाएंगी लोन वोन को कैसे ठीक करेंगी इन सब में काम ले, लेती रहती है ठीक है आपको तो इसके उतार चढ़ाव में जैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से होता है चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख अवधारणाएं की कॉन्सेप्ट एंड एंटिटी जो न्यूज में रही थी एक एक करके फटाफट देख लेते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इसमें बेसिकली क्या है पैसा जुटाने के लिए इसको बनाया जाता है इसमें क्या होता है जो भी सूचीबद्ध कंपनी होती है लिस्टेड कंपनी होती है वो क्या करती है इक्विटी शेयर के माध्यम से पूंजी जुटा सकती है मतलब जारी कर दिया तो उसके लिए आपने पैसा इकट्ठा कर लिया आईपीओ या एफपीओ के विपरीत केवल इंस्टीट्यूशन या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर सी क्यूआईपी में भाग ले सकते हैं देखो आईपीओ में क्या होता है जैसे ये सारी चीजें आपको यार अब हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे मैंने कोई नई कंपनी बनाई ठीक है या कंपनी बना के मैंने पहली बार जनता से पैसा मांगा शेयर मार्केट के थ्रू तो ये मेरा क्या कहलाएगा आईपीओ पहली बार है ना सपोज करो अपनी विकास की अपनी अभ्युदय आई एस कंपनी में अपने सबसे पहली बार अपन ने लिस्टेड करा के पैसा मांगा तो क्या हो गया वो आईपीओ कहलाता है ठीक है और इसी आईपीओ में अपन ने दोबारा दोबारा अपन ने पैसा मांगा तो वो आपका फॉलो अप आप पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है पहली बार आईपीओ और इसी में दोबारा पैसा मांगा तो एफपीओ कहलाता है ठीक है ये तो क्या हुआ जब आईपीओ मैंने निकाला तो हर कोई भारत का नागरिक इसको ले सकता है लेकिन इसमें क्या है क्यू आई पीजे इसमें केवल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वही ले सकते हैं और क्वालिफाइड जो बायर्स होते हैं वही ले सकते हैं इंडिविजुअल इसमें ये आ, जो आपकी इक्विटी शेयर्स होते हैं खरीद नहीं सकते चलो साहब पार्टिसिपेटिव नोट्स देख लें नोट्स ये भी दोस्तों मेरे विदेशी डेरिवेटिव्स का एक इंस्ट्रूमेंट है ये डेरिवेटिव्स वगैरह वही पुराने एक बार नोट्स देख लेना फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डेरिवेटिव्स आया दोस्तों डिराइव से किससे आया डिराइव से इसमें क्या होता है जैसे कि दो जने बैठ के आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं मतलब तो बात तय कर लेते हैं कीमत किसी भी एसेट की कीमत तय कर लेते हैं कागज के टुकड़े पे ये बेसिकली डेरिवेटिव्स कहलाता है ठीक है

पंजीकृत हुए भी वो भारतीय प्रतिभूतियों में क्या कर सकता है? निवेश कर सकता सकता है है निवेश क्लियर भारतीय सिक्योरिटीज में निवेश करते हो तो मैं अमेरिका बैठा हूँ अमेरिका का गा गाउ अब मुझे लेकिन इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पहले से भी मैं रजिस्टर्ड हूँ लेकिन मैं पी नोट्स के माध्यम से बिना रजिस्टर्ड हुए निवेश कर सकता हूँ ये पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के द्वारा जारी किए जाते हैं एफ क्या करते हैं ये जारी कर देते हैं विदेशों में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भैया ये खरीदो पी नोट्स के माध्यम से अगर तुम्हें इन्वेस्टेट करना है तो इसे कर लो पंजीकरण की औपचारिक से राहत और पहचान गोपनीय होने के कारण पी नोट्स ने लोकप्रियता अर्जित की है इससे भैया काला धन और जो आ, स्मगलिंग वगैरह का पैसा इधर उधर करने में इनको बहुत काम में लिया था तो इसके लिए भी बड़ी इसकी निंदा हुई थी लोकप्रिय भी इसीलिए है अगला प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस डी इसको यूँ समझ लो देखो शब्दों को देखो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस मतलब कि हमारे घरेलू जो महत्वपूर्ण बीमा करता है उनको इसमें बताया कि साहब कि ये तीन चार हमारे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ऐसे बीमा करता है हमारे देश में यदि इनके साथ कोई भी संकट आ गया तो पूरी अर्थव्यवस्था पे संकट आ जाएगा उसी का लबोल इसमें बताया गया एक बार देख लें एडा ने भारतीय जीवन बीमा एल आई सी जी आई सी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दो हजार के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के रूप में क्या किया है अभी निर्धारित किया है डी एस आई एस ऐसे आकार बाजार महत्व और घरेलू एवं वैश्विक रूप से परस्पर संबंध बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनका संकटग्रस्त या विफल होना घरेलू वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण अव्यवस्था का है? अंग्रेजी की हिंदी कई बार बहुत विकट हो जाती है। कुल कि भैया ऐसे महत्वपूर्ण ये बीमा करता है कि अगर इनके साथ कोई भी संकट आता है अगर ये विफल होते हैं, तो हमारे देश की पूरी घरेलू वित्तीय प्रणाली के लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाएंगे इसीलिए इनको इस प्रकार के बीमाकर्ता के रूप में नोटिफाइड किया गया है ना जिनका अभी

बीमा प्रीमियम सहित कुल राजस्व के संदर्भ में आकार और प्रबंधन के अंतर्गत शामिल परिसंपत्तियों मूल उन मापदंडों में से जिन, जिन पर बीमा करता का भी निर्धारित किया जाता है वो एक कठिन लैंग्वेज कर दी कुल मिलाकर वो एसेट देख रहे हैं भैया है कि इनके पास कितनी कितनी एसेट हैं कितनी क्वालिटी के एसेट्स हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण डी को वार्षिक आधार पर सूचीबद्ध करेगा इन डी एस आई एस पर लागू शर्तें ये रहेंगी ये वो अपना कॉर्पोरेट अभिशासन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्या करे उन्नत बनाए सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करें दूसरा और जोखिम प्रबंधन के लिए भैया एक बेहतर संस्कृति बनाए ये तीनों काम के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भैया हमने आपको इसीलिए लिस्ट किया है कि आप अपना गवर्नेंस बढ़िया करें आपके कोई कोई करंट में कोई ऐसे जोखिम आपको लगते हैं कि आने वाले हैं या प्रासंगिक है तो उसको पहचान करके उसका मैनेजमेंट हम ढंग से करें और एक बेहतर संस्कृति को बढ़ावा दें, वर्किंग कल्चर को बढ़ावा दें क्यों करें भैया कि तुम डूबे तो देश की आधी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी एड्डा द्वारा इन्हें विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन भी लाया जाएगा कि हम तो भैया तुम्हें देखते ही रहेंगे कि तुम्हारी क्या स्थिति चल रही है डी एस आई एस के समान ही आरबीआई भी प्रणाली के रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की घोषणा करता रहता है ना जैसे कि यहाँ पर सिस्टमेटिकली इंश्योरेंस को घोषणा करी थी इसी प्रकार से आरबीआई भी करता है और आरबीआई ने कौन कौन से बैंकों को इसमें घोषित कर रखा है एस बी आई आईसीआईसीआई और एस इनमें से कोई भी पाया कमजोर हो जाएगा तो देश में हाहाकार मच जाएगा क्लियर चलो साहब लिबोर देख लेते हैं बैंकिंग के हमारे पुराने चैप्टर में हमने लिबोर बहुत अच्छे से देख रखा है लिबोर क्या है लंदन इंटरबैंक ऑफर लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट क्या है भैया इंटरबैंक मतलब कि तेरा बैंक मेरा बैंक आपस में हम जो भैया लेन देन करेंगे उसमें क्या रेट तय होगी ब्याज की वो कौन तय करता है लिबोर के अंतर्गत तय होती है देख लें अब। ये अंतर अंतरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्प अवधि उधार के लिए ग्लोबल रेफरेंस रेट है अल्प अवधि मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हम पैसा लेते हैं ये ब्याज दर स्वैप और मुद्रा दर स्वैप के साथ साथ मॉर्गेज के मूल निर्धारण के लिए भी उपयोग की जाने वाली एक अल्पकालिक ब्याज दर तो एक बेंचमार्क के रूप में यूज में लेते हैं मतलब ये भैया हम तूने अपने जैसे मेरा विकास बैंक है और आपका कोई बैंक है तो हम आपस में जब लेन देन करेंगे तो बात करेंगे जैसे मैंने कहा कि यार एक हजार करोड़ डाल देना मेरे बैंक में तो आपने बोला कि सर अभी तो लिबोर की रेंट ये चल रही है बताओ तो मैंने कहा यार लिबोर की जो रेट चल रही है ना उसमें पॉइंट टू परसेंट एक्स्ट्रा जोड़ ले तो तू दे मेरे को यार कोई बात नहीं ठीक है तो लिबोर को हम एक बेंचमार्क रेट के रूप में लेते हैं यह वित्तीय प्रणाली के ठीक ठाक होने का भी संकेत के केंद्रीय बैंकों के आगामी नीतिगत दरों के बारे में भी विचार प्रकट करता है इसकी भारतीय समकक्ष को हम मीबोर कहते हैं जैसे लंडन में लिबोर ऐसे भारत में हम क्या कहते हैं मिबोर मुंबई से मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट कहते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज अरे वाह ये कैसा स्टॉक एक्सचेंज है सोशल देखो नाम से समझो कैसा स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे भैया सामाजिक रूप से जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हैं सेक्टर्स हैं उसके लिए एक्सचेंज बनाया हुआ होगा जैसे कौन कौन से हो सकते हैं ग्रीन एनर्जी के लिए हो सकता है जैसे सोलर एनर्जी के लिए आपको कोई पैसा चाहिए आपने कोई कंपनी बनाई है हेल्थ सेक्टर के लिए भी हो सकता है ये ठीक है एनवायरमेंट के लिए कुछ हो सकता है इस प्रकार का कोई आपका स्टार्टअप आप है तो उस ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने का उद्देश्य प्राप्त करना आपको हो तो कहाँ से आप लेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लेंगे देख लेते हैं हम इसको लब्बो लुबाब मैंने आपको समझा दिया ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन एक, एक करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को किसी सामाजिक उद्यम में शेयरों की खरीद की अनुमति प्रदान करता है जिन्हें एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है अब ये सामाजिक उद्यम कौन से हो गए सामाजिक उद्यम वह हो जाएंगे जिनका प्राथमिक उद्देश्य क्या रहेगा किसी सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना जैसे कि साहब आपको किसी के स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करना है अब देखो इसमें लाभ का पक्ष अवश्य रहेगा ये ध्यान रखना हम स्वास्थ्य देखभाल तो दे रहे हैं हमने जैसे कोई हॉस्पिटल बनाया हमने कोई ऐसी मेडिसिन बनाने के लिए काम कर सोशल कॉज के लिए हमने काम करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो कंपनी काम करेगी लिस्टेड किसमें हो जाएगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में हो जाएगी हम और पैसा ऋण जुटाना लाभ देना फिर इस स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी के माध्यम से होगा शेयरों व ऋणों के माध्यम से अथवा म्यूचुअल फंड की भांति पूंजी जुटाने के उद्देश्य से सामाजिक उद्यमों व स्वैच्छिक संगठनों को सूचित करने सूचीबद्ध करने हेतु सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का विचार अपने केंद्रीय बजट में उन्नीस सौ में प्रस्तुत किया गया था इसके बाद सीबी ने बोला भी था कि भैया कि बताओ सुझाव लाओ इसके लिए हमें इसके लिए एक पैनल भी गठित किया गया था आपके मन में विचार आएगा साहब ऐसे और भी कहीं विश्व में चलते हैं क्या विश्व में कई ऐसे स्टो, आ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज यूके में भी है कनाडा में भी है यूएसए दक्षिण अफ्रीका सिंगापुर मॉरिशस में ऑलरेडी चल रहे हैं शेल कंपनी शेल क्या होती है खाल ऊपर आपके कैसी शैल है कहते हैं ना ऊपर आपकी शैल मजबूत होनी चाहिए तो शेल कंपनी देख लो साहब देखो शेल कंपनियां बेसिकली है ना ये सारे गलत कामों के लिए यूज में ली जाती हैं कोई टैक्स बचाना है आपको मनी लॉन्ड्रिंग करनी है और आपके क्या काला पैसा है आपका वैसे नेताजी का और तीन से चार उसके आपने मालिक बना दिए तो इस प्रकार से शेल कंपनी बनाई जाती है बिना भी संपत्ति है उदाहरण में आपको बता दूंगा यही अब शेल कंपनी में होता है क्या जैसे कंपनी बना दी हमने सपोज करो एक हमने अतीक अहमद कंपनी बना दी है अब इसने जितने भी टेरिस्ट से पैसा कमाया इधर उधर से जो भी स्मगलिंग का पैसा कमाया अब उसके लिए उसने शेल कंपनी बना दी थी अब शेल कंपनी में हमने देखा भैया पैसा तो पड़ा है करोड़ों लेकिन ये आग कहाँ से रहा है ना आय का स्रोत जो ये साला काम भी टुटचे करता है गलियों में घूमता है मारामारी करता है इसके पास से आ गया भैया इतना पैसा आती है कहमत के पास ठीक है तो इस प्रकार से शेल कंपनी बना के कंपनी के नियम कायदों से उसको वाइट करने की कोशिश की जाती है ऐसे सैकड़ों की संख्या में इस बार हमारे शेल कंपनियां सरकार ने पकड़ी थी और सबको बंद किया और जुर्माना लगाया उन उनपे फिर ठीक है एक बार आप ये क्या किताबी लैंग्वेज भी देख लें ये कंपनियां सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों से रहित होती हैं मतलब काम कामधाम कुछ करती नहीं है कोई ऐसी घर इनकी दुकान पे जाओ तो आपको कोई एसेट भी नहीं मिलेगी कुछ मामलों में अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है मतलब इवन देखो इन शैल कंपनी में जो एड्रेस होते हैं जब जी टीवी ने एक स्टिंग किया था तो उन कंपनी के जो एड्रेस दे रखा था वहां गए थे वहां छोटा सा एक कमरा था ताला लग रहा था लोगों ने कूड़ा करके डाल रखा था इस प्रकार से एड्रेस लगा के ऐसी शैल कंपनियां बनाई हुई थी क्यों बनाते हैं वही कर अपवंचन टैक्स बचाने के लिए धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग अस्पष्ट स्वामित्व होता है जब बेनामी संपत्ति लेनी होती है बिना मेरे नाम से मत तो भैया किसी और के नाम से लो, वो बेनामी संपत्ति कहलाती है हालांकि भारत में शैल कंपनियां किसी भी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं है हाल ही में सरकार ने निरंतर दो या अधिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की गैर फाइलिंग के आधार पर सेल कंपनियों की पहचान और प्रतिबंधित करने को तो विशेष अभियान आरंभ किया है मतलब पुराने है ना इसलिए खूब पकड़े हजारों की संख्या में पकड़े कंपनी अधिनियम की धारा दो के तहत कंपनियों के रजिस्टर से इस प्रकार की कंपनियों के नामों को हटाने का, का प्रावधान किया गया सबको हटा दिया चले मर्चेंट डिस्काउंट रेट अच्छा मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या एक तो कस्टमर के डिस्काउंट रेट तो आपने सुनी होगी लेकिन मर्चेंट का डिस्काउंट रेट ये कैसे होगा देखो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट हमारे डिजिटल भुगतान से संबंधित है एक बार मैं आपको समझा दू जैसे कि सपोज करो आ, ये मेरी दुकान है खिलौनों की ठीक है और मैंने ऑनलाइन खिलौने बेचे आ, और आपने सब ने मुझे ट्रांजेक्शन डिजिटल किया यूपीआई के माध्यम से ठीक है सौ रुपये का मैंने खिलौना बेचा और ये जो यूपीआई के माध्यम से जो मेरे ऊपर चार्ज लगे मर्चेंट के ऊपर चार्ज लगे सपोज करो पांच रुपये मुझे चार्ज लगे तो मैं सरकार से कहता हूँ कि साहब ये पांच रुपये आपने जो मेरे चार्ज लगाए हैं इसको हटाओ ठीक है यही मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात है देख लो एक बार हाल ही में डिजिटल भुगतान फर्मो द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और रुपये नेटवर्क पर होने वाले लेन देनों पर एम की प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही है एम की भैया जो ये जो पांच रुपये ना ये वापस दो एमडीआर वस्तु थे लेन देन के दौरान व्यापारियों द्वारा बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को चुकाने वाली लागत होती है जैसे पांच रुपए मैंने चुकाया ना बैंक को तो ये वही लागत की बात है ये पीयर टू मर्चेंट भुगतानों पर लागू होती है क्या पीयर टू मर्चेंट पीयर कौन हो गया ये बैंक हो गया और मर्चेंट कौन हो गया मैं हो गया ठीक है और एक जनवरी 2020 में क्या किया गया 50 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार करने वाले और ग्राहकों ग्राहकों या व्यापारियों पर कोई लगाए बिना को कम लागत भुगतान विकल्प प्रदान किए गए थे चलिए आगे आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज आप जानती है आज आधार नंबर के माध्यम से हम पेमेंट कर लेते हैं एक बार ये देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज क्या कहती है ये एक भुगतान सेवा है जो बैंक ग्राहक को अपने आधार कार्ड संबंधी पहचान से जुड़े आधार सक्रिय खाते तक पहुंच बनाने और सामान्य बैंकिंग लेन की सुविधा प्रदान करता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सहायता से पॉइंट ऑफ सेल माइक जहां माइक्रो एटीएम पर बैंक से बैंक लेन की अनुमति भी होती है हम देखो आधार कार्ड नंबर से आजकल पैसा ट्रांसफर हो जाता है ना वही ये है आधार इनमें पेमेंट सर्विसेज आपको अपना आधार नंबर बैंक में लेके जुड़वाना पड़ता है अपने अकाउंट नंबर से इसके माध्यम से छह प्रकार के लेन देन की सुविधा दे रखी है आप नकदी का आहरण कर सकते हैं नकदी जमा भी कर सकते हैं जमा की पूछताछ भी कर सकते हैं आधार से आधार फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं मिनी स्टेटमेंट जारी करवा सकते हैं बेस्ट फिंगर डिटेक्शन मतलब आधार में जो फिंगर का डिटेक्शन है वो आप यहाँ अपने अकाउंट के साथ भी जुड़वा सकते हैं एम सी ए ट्वेंटी वन या एम सी ए ट्वेंटी वन आप सभी जानते हैं कि वैसे तो एम सी ए ट्वेंटी वन के बारे में ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनके द्वारा ये इनिशिएटिव था क्या था इनका एक टॉप का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या था देखो एक इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट्स ले सकते थे जमा करा सकते थे कोई बिजनेस कम्युनिटी है उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसी ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते थे क्लियर है कोई रजिस्ट्रेशन करना है कोई वेरिफिकेशन चार्जेस वगैरह जमा कराने हैं वो भी आप इसके माध्यम से कर सकते थे और सरकार की जो ई गवर्नेंस से संबंधित कई सुविधाएं थी वह व्यापारी लोग एम सी ट्वेंटी वन के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे क्लियर अब डिजिटल सिग्नेचर का एक सर्टिफिकेट होता है वो भी एम सी ट्वेंटी वन के माध्यम से मिल जाता था एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है डेन करके नंबर होता है ना ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसे एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये भी पहली बार यहीं से एमसीवेंटी वन के माध्यम से दिया गया था खुदना के बात यह कि आपको कैसे सरल तरीके से कार्य को सरल बनाया जाए ई गवर्नेंस के माध्यम से उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण था एमसीटी वन अब ये देख लो क्या कह रहा है एम सी ओ ट्वेंटी वन परियोजना कॉर्पोरेट संस्थाओं पेशेवरों और आम जनता के लिए सहायक तरीके से एम सी ए सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच सक्षम करती है मतलब आ, कोई कॉर्पोरेट संस्थान है कोई प्रोफेशनल लोग हैं हम आम जनता हैं, ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उन सेवाओं को यूज में ले सकते हैं एक एप्लीकेशन मान लीजिए ना और ये जो एम सी ट्वेंटी वन एप्लीकेशन है कंपनी अधिनियम और 2000 हजार अधिनियम दो हजार तेरह दोबारा से अमेंडमेंट हुई थी और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2000 के तहत सक्रिय प्रवर्तन और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह स्वचालित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है बाबा को बात ये भैया इन कानूनों के माध्यम से ये स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से ही, अगर आपको कोई पैसा जमा कराना है कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑटोमेटिक इसमें काम हो जाएगा और कहीं आपको जाने आने की जरूरत नहीं है क्लियर ये व्यवसाय समुदाय को उनके वैधानिक दायित्व को पूरा करने में भी सहयोग करता है सहायता करता है इंग्लिश की जो हिंदी बनाते हैं ना बड़ी जटिल बना देते हैं कि सरल चीज भी कठिन हो जाती है 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 रेमिटेंस स्कीम स्कीम इस Scheme में क्या इतनी सी बात है, मोटा मोटा कि भारत का कोई भी रहने वाला जो निवासी है इसके तहत उसमें नाबालिग भी शामिल है जो हमारा वित्तीय वर्ष है अप्रैल से मार्च तक का इसके बीच में मैक्सिमम ढाई लाख अमेरिकी डॉलर हम क्या कर सकते हैं विदेशों में भेज सकते हैं रेमिटेंस रेमिटेंसन कर सकते हैं और ये कॉर्पोरेट्स के लिए साझेदारी फर्मों के लिए हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए ट्रस्ट आदि के लिए भी उपलब्ध नहीं है ध्यान रखना ठीक है ना और आपको ध्यान होगा कि आरबीआई द्वारा 2004 में ये सीमा कितनी थी 25,000 डॉलर से स्टार्ट करी थी और आज हमने इसको कितनी कर दी है ढाई लाख डॉलर अमेरिकी कर दिए ठीक है इन्वेस्ट इंडिया

के तहत गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में क्या किया था इसको स्थापित किया था उद्योग तो संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग हाल ही में अंकटाड है विकासशील देशों के लिए भैया बढ़िया काम कर रहा है अंकटाड ने इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को 2020 में संयुक्त राष्ट्र का निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में भी घोषित किया था वेदर सेंसिटिव इंडाइसेस कोई ना कोई मौसम से संबंधित क्या बनाया है इंडेक्स बनाया है वेदर सेंसिटिव क्या कहता है ये नेशनल कॉम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज दो मौसम संवेदनशील सूचकांक प्रकाशित करेगा दो सूचकांक कौन कौन से एक तो भारतीय मानसून सूचकांक और एक भारतीय वर्षा सूचकांक ठीक है ये संचयी मानसून सूचकांक है ये मासिक संचयी वर्षा सूचकांक है संचयी मतलब क्यूमिटी रूप से जो इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से सूचना करेगा ये मासिक रूप से क्यूनिटिव जो सूचना एकत्र करेगा उसके अनुसार वर्षा की सूचकांक निकाल के देगा ये दो सूचका वर्षा डेटा संग्रह केंद्रों का उपयोग करके देश में व्यवस्थित वर्षा गतिविधि को ट्रैक करेगा एनसीडीएक्स विभिन्न पूर्वानुमान पर भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषाओं जैसे सामान्य सामान्य से अधिक न्यूनता का उपयोग करेगा तथा सूचकांक के मान पर पहुंचने तो दैनिक आधार पर वास्तविक वर्षा के साथ इसकी तुलना करेगा मतलब ये इंडेक्स इसलिए बना दिया कि यह बताता रहेगा देखो पहले इस समय सामान्य वर्षा हुई थी अब सामान्य से अधिक हो रही है क्या या कम हो रही है क्या ये सारा इंडेक्स आपको बताता रहेगा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किसके अंतर्गत काम करता है ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक अनुशासनात्मक संगठन है ध्यान रखना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये सफेद पोष कॉलर जो होते हैं अपराधों धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों का अभिजन हेतु जांच करने और अभियोग चलाने अथवा अनुशंसाएं के उत्तर व्हाइट कॉलर जो लोग होते हैं ना सफेद पोष <laughs> व्हाइट कॉलर जो अपराध धोखाधड़ी करते हैं वित्तीय लाभ के लिए व्यवसायिक और राजनीतिक पेशे द्वारा किए गए अहिंसक अपराध कैसे अपराध है अहिंसक अपराध जो विजय माल्य जैसे लोग करके भाग जाते हैं मतलब भैया को लठ नहीं चला रहे हैं, गोली कपाड़ी नहीं चला रहे हैं। ऐसे अपराध वित्तीय अपराध करते हैं ना मर्सिडीज में आते हैं और लाखों करोड़ों का गबन करके भाग जाते हैं ये आपके व्हाइट कलर अपराधी कहलाते हैं इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गठित एक नरेश चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया है इंपॉर्टेंट ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सांविधिक निकाय बॉडी है लास्ट ओशन ओपन क्रेडिटवर्क इने, ये नेटवर्क क्या है कुल देख लो भैया ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क में क्या करेगा इसको सरल बनाएगा मतलब पैसा ऋण लेना है ना तुम्हें उस ऋण के प्रोसेस को और सरल बना देगा मोटी मोटी बात यही है ठीक है और ये जो स्टार्ट किसने किया है आई स्प्रिट करके है ये टेक्नोलॉजी इनके द्वारा विकसित की गई है पढ़ लेते हैं एक बार नई क्रेडिट प्रोटोकॉल एक अवसंरचना है जो ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाएगी इससे छोटे उधारकर्ता सुगमता से धन प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे ये एक सामान्य भाषा के रूप में कार्य करेगा साथ ही व्यापक व्यापक पैमाने पर नवोन्मेषी वित्तीय ऋण उत्पादों का उपयोग करने एवं उन्हें सज्जत करने हेतु उधारदाताओं और बाजार को भी आपस में जोड़ेगा की बात भैया कैसे आपको सरलता से हम लोन प्रोवाइड करा दें उसके लिए इसने ये सिस्टम बनाया है चलो साहब ये हो गया हमारा आज का चौथा चैप्टर भी हो गया कल हम पांचवा लेंगे और जो किया है इसको बस रिवाइज करते जाओ नोट्स बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है बार बार एक दो बार देख लेना तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा और आशा करता हूँ कि इसमें आने वाले जो कठिन कई शब्दावली टर्मिनोलॉजी हैं उनको मोटा मोटा ओवरली मतलब ऊपरी तौर पर तो आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है पर उसको ढंग से समझने के लिए मेरा आग्रह तो ये कि अभी भी अगर एग्जाम आगे बढ़ता है तो कुछ टॉपिक्स में जहाँ आप कमजोर हो तो पुराने लेक्चर में देख के मजबूत कर लेना जैसे बैंकिंग हो गया कोई फिजिकल पॉलिसी हो गया या कोई मुद्रा से संबंधित कोई विषय हो गया तो एक बार लेक्चर देख लेना दो तीन घंटे देख लोगे तो आसान हो जाएगी काफी सारी चीजें चलिए आज भी यही समाप्त करते हैं नमस्कार धन्यवाद और आपसे आग्रह भैया यो क्या बोलते हैं लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो तो अपन को भी बल मिलता रहेगा अधिक से अधिक बालक आएंगे ठीक रहता है उत्साह बना रहता है चलिए धन्यवाद